हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास प्लस वन के फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, आयोटा पावर 243। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें आयोटा पावर 243 गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कितना आएगा। तो ये सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक वैल्यू की यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आयोटा की पावर 1, 2, 3, 4 हो जाए तो उसका आंसर कितना होगा। पहले हमें उस टर्म को याद करना पड़ेगा कि आयोटा की पावर अगर 1 होती है तो इसका मतलब तो आयोटा ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम आयोटा की पावर 2 करते हैं, अगर 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर एंड यहाँ पे -1। इतना याद होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है आयोटा की वैल्यू होती कितनी है, √-1 एंड आयोटा स्क्वेयर की -1। अगर क्वेश्चन में आ जाए आयोटा पावर 3 तो इसका मतलब आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, समझ आ गया होगा। एंड आयोटा की पावर 2 का मतलब होता है -1 एंड आयोटा की पावर 1 आंसर आएगा -आयोटा, समझ आ गया होगा इतना। एंड लास्ट पार्ट रहता है इसमें आयोटा पावर 4। 4 को हम आयोटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, -1 मल्टीप्लाई -1 एंड -1 -1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, +1। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन करने से पहले आपको 4 की 4 वैल्यू पता होनी चाहिए कि आयोटा पावर 1 हो तो हम उसकी जगह √-1 पुट करेंगे, एंड आयोटा स्क्वेयर होता है तो वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, पावर 3 होती है तो हम -आयोटा पुट करेंगे, एंड अगर पावर 4 हो जाए तो हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयोटा पावर 243 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता नहीं है ना कि 243 की वैल्यू कितनी होगी। हम इसको फैक्टर बनाते हैं, मतलब फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम इसको क्या करेंगे, पावर्स को अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे, हमें पता है आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम इसको आयोटा की पावर 4 में लिख के कितने से मल्टीप्लाई करें कि 243 तक बन जाए। समझ आ रहा होगा कि हम सबसे पहले देखें कि आयोटा पावर 4 में ये कन्वर्ट हो सकता है क्या। अगर हम यहाँ पे आयोटा पावर 4 करते हैं, हमें पता है आंसर तो 1 होगा, लेकिन उसकी पावर कितनी करें कि यहाँ तक पहुँचे। तो अगर हम इसकी पावर 60 करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, और साथ में हम लिखते हैं आयोटा पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। लेकिन अगर पावर को हम अलग अलग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बेस भी सेम बना सकते हैं। तो अभी हमने कितना किया है, आयोटा की पावर 240 अलग से कर लिया एंड आयोटा की पावर 3 अलग से कर लिया, ठीक है। एंड आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 1, और 1 की पावर कितनी है, 60 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3। तो 1 की पावर तो चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा, लेकिन आयोटा की पावर 3 कितना हो जाएगा। अभी आपको मैंने वैल्यूज लिखवाई थी, आयोटा पावर 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे -आयोटा, एंड -आयोटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -आयोटा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, ये है इसका आंसर -आयोटा। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आयोटा पावर -79। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया तो उसमें तो पावर पॉजिटिव में थी, लेकिन अब कितनी है, नेगेटिव में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/(i)(7)9, क्योंकि 1/ करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 1/79 हो जाएगा। और अब हम इस तरीके से देखेंगे कि हम 4 से मल्टीप्लाई कितने तक करें कि ये वैल्यू 79 के आसपास तक हो, मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे आयोटा पावर 4, और पावर 4 लिखने के बाद हम देखें कि कितने तक मल्टीप्लाई करें कि ये 80 के लगभग तक पहुंच जाए। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 20 कर दें तो पावर तो 80 हो जाएगी, लेकिन हमें वहाँ पे 80 भी तो नहीं चाहिए ना, तो हम कैसे करेंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से और कर लेते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए।
हम इस क्वेश्चन को आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में बन गया आयोटा पावर 80, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 1, ये न्यूमिनेटर में, डेनोमिनेटर में कितना हो गया 4, एंड 80 करने के लिए हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा बाय में आयोटा पावर 4 कितनी होती है, अभी बताया था 1, एंड 1 की पावर 20, 1 की पावर 21 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा बाय 1 इज इक्वल टू आयोटा। समझ आ गया होगा सेकंड पार्ट। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है आयोटा पावर माइनस 38। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था, पावर 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड में करके पॉजिटिव में 38 होगी। अब हमें पता है कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 करके हम इसको लिखेंगे, तो ये 4 में 38 तो नहीं बनेगा। हम एक काम करते हैं, पहले ही इसको आयोटा की पावर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। 2 से ही क्यों किया है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 करेंगे पावर, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 40, एंड 40 हमें पता है 4 की पावर 10 करेंगे तो 40 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 40 को हम लिख सकते हैं पावर 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आयोटा पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, लेकिन पावर 4 की 1, 1 की पावर 10, आंसर कितना हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर 10 करोगे तो 1 ही रहेगा, आंसर आ गया माइनस 1। समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है इसका 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा पावर क्यूब प्लस 3 आयोटा पावर 16 माइनस 6 आयोटा पावर 19 एंड प्लस 4 आयोटा पावर 25। सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो जिसके भी हमें वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, आयोटा पावर 2 की वैल्यू होती है माइनस 1, ठीक है, प्लस 6 आयोटा पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा, अभी आपको लिखवाया था माइनस आयोटा, प्लस 3 आयोटा पावर कितनी है 16, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना पावर 4 की पावर 4, कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 16, माइनस 6 आयोटा पावर 19 है, 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब प्लस में है ना, ये स्टेटमेंट में जो 19 पावर है ये प्लस में गिवन है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसको 16 अलग लिखेंगे एंड पावर 3 अलग से लिख देंगे। तो यहाँ पे 19 को हमने ब्रेक डाउन किया है, फिर इसके बाद में 4 आयोटा 25 है, 24 अलग से हो जाएगी एंड पावर 1 अलग से हो जाएगी। समझ आ गया इतना, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 वन जा माइनस में 2 हो जाएगा, 2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा पावर 4, पावर 4 कितनी है 1, तो 1 की पावर 4 करोगे तो भी तो 1 ही रहेगा, इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है माइनस 6 आयोटा पावर 4 करके हम लिख सकते हैं, एंड आयोटा पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी, प्लस 4 आयोटा पावर 4 की पावर 6 24 मल्टीप्लाई आयोटा। समझ आ गया होगा, हमने एक एक पावर को ब्रेक डाउन किया है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स आयोटा पावर 4 की पावर 4 है तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, एंड यहाँ पे पावर 4 की पावर 6 है तो आयोटा पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आयोटा, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 6 माइनस 6 आयोटा कैंसिल हो जाएगा,
थ्री माइनस टू वन प्लस फोर आइटम, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है उसके कम से कम फाइव या सिक्स पार्ट है, फोर हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के जो पार्ट रहते हैं वो आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।